हेलो व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम का बेंडिंग वन डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करें इन अबाकस में। आप यहां देख सकते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें एक सिंपल सपोर्टेड बीम है जिसका वन एंड पिन सपोर्ट है, सेकेंड एंड उसका रोलर सपोर्ट है और उसके सेंटर में हमारे 10 किलो न्यूटन का एक लोड लगा है और उसी का हमने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है 600 बाय 300, मटेरियल इलास्टिक मॉडुलस, पॉइजन रेशियो एंड डेंसिटी गिवन है हमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अबाकस सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा मॉडल बनाना। उसके लिए हमें जो आप देख रहे हो यहाँ पे पार्ट्स, इस पर आप डबल क्लिक करोगे, ये हमारे पास एक विंडो आ गई है। इसमें हम जो बीम बनाएंगे वो 3D बीम बनाएंगे। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में मैंने 3D से मॉडल बनाना स्टार्ट किया था, डायरेक्ट 3D से, बट इस ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले 2D मॉडल बनाएंगे, उसके बाद हम 3D मॉडल बनाएंगे। तो हमने यहाँ 2D पे क्लिक किया, डिफॉर्मेबल एलिमेंट, और जो हमारा ये है एलिमेंट, ये वायर टाइप का है, लाइन टाइप का। यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं बीम। ये जो आप 20 देख रहे हो ग्रिड साइज है, ओनली ग्रिड के हर एक ब्लॉक का स्पेस। मैंने इसके बाद कंटिन्यू किया, ये हमारी ग्रिड आ गई। अब देखिए जो हमारा जो बीम है इसमें 3 जॉइंट्स नॉट्स हमें अबाकस में बनाने होंगे। फर्स्ट दिस 0, दिस 5 मीटर एंड दिस नॉट इज 10 मीटर। तो आप यहां देख सकते हैं प्लस का मार्क है, क्रिएट आइसोलेट पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे हम। इस पर जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करने को आया था एक्स और वाई की। अगर हम फर्स्ट जॉइंट की बात करें अपने बीम के, तो उसके कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट नॉट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है वो 0 0 है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 0.0, एंटर। सेकेंड पॉइंट है हमारा 5 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 5 टाइप किया और एंटर। और थर्ड पॉइंट है हमारा 10 मीटर, एंटर। ये देखिए इधर हमारे 3 पॉइंट आ चुके हैं, यहाँ पे क्लिक कर, अभी हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तीसरा पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तीनों पॉइंट दिखाई देंगे, 1 2 3। अब ये जो इसके पास में ही एक लाइन का कमांड है, इस पे क्लिक करके हम तीनों जॉइंट पे क्लिक करेंगे। तीनों जॉइंट पे क्लिक करके हमने स्केप बटन दबाया तो यहाँ पे डन करने के लिए आ गया। डन करते ही हमारा ये बीम बन गया। सेकेंड स्टेप है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे जाके सबसे पहले हम मटेरियल डिफाइन करेंगे। यहाँ से हमारा ये स्टील है और देखते हैं हमने प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। हमारा मटेरियल स्टील है, इलास्टिक मॉडुलस ये है, पॉइजन रेशियो 0.3 और डेंसिटी, 3 प्रॉपर्टीज है, हम तीनों प्रोवाइड कर देते हैं इसमें। तो जनरल डेंसिटी हमारी है 7800, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इलास्टिसिटी में हमारा यंग मॉडुलस है 2.0E8 एंड पॉइजन रेशियो है 0.3। ओके कर दिया हमने, हमारा मटेरियल डिफाइंड हो चुका है। अब हमें बनाना है क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हमने 2D एलिमेंट बनाया था, सिंपल एक लाइन है, तब हम इसे प्रोवाइड करेंगे क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन है हमारा 600 बाय 300। तो यहाँ पे देखते आई सेक्शन बना हुआ, यही हमारा क्रॉस सेक्शन बनाने का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है आपका कुछ ऑप्शंस, क्योंकि हमारा बीम है, हमने तो यहाँ पे बीम सेलेक्ट किया, बीम सेक्शन 1 कंटिन्यू। फिर एक विंडो खुल के आ गई है। अब इसमें प्रोफाइल देनी है। प्रोफाइल मीन्स हमारा जो सेक्शन है वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या सर्कुलर है, आई शेप है, तो ये हमारे यहाँ पे प्रोफाइल मांग रहा है। तो ये प्रोफाइल के सामने एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ कुछ शेप्स आ गई हैं, तो हमारा जो बीम है रेक्टेंगल है, इस पर क्लिक किया और कंटिन्यू, ये आ गई शेप। अच्छा, हमारा जो देखते हैं हमारे जो विड्थ है वो 300 और जो हमारी डेप्थ है वो 600 है। तो हमने ए हमारी है डेप्थ 0.6 और सॉरी ए है हमारी विड्थ 0.3 और बी है हमारी डेप्थ 0.6 और हमने ओके कर दिया। यहाँ पे आ गई प्रोफाइल 1, ओके। अब हम सेक्शन भी बना चुके हैं, बट सेक्शन को हमें इसके ऊपर असाइन करना है, तो इसी के नीचे एक आइकन है असाइन का, इस पर क्लिक करेंगे।
तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है सेट सेट वन। सेट मीन्स होता है जैसे कि हम ग्रुप बना रहे हैं, तो इस पूरे बीम को हम ग्रुप बना लेते हैं सेट वन, डन। अब इस ग्रुप पर हमें प्रोफाइल असाइन हो गई ओके करते के साथ ही। ओके अब हम प्रॉपर्टी भी असाइन कर चुके हैं। इसके बाद एक और नई चीज है जो हमारे पिछले ट्यूटोरियल में नहीं है, बीम ओरिएंटेशन। मींस इसका एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, जेड एक्सिस क्या होगा। उसके लिए आप देखो इस प्रॉपर्टी में ही इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें तीन चीजें दिखाई दे रही है, टी एन वन एन टू। टी जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, एन टू वर्टिकल एक्सिस है, और एन वन जो है हमारा जेड एक्सिस है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो दोबारा सेट बनाने को आ रहा है। दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि ओरिएंटेशन का सेट है, वो सेट था हमारा सेक्शन का। इसी तरह हम सेट बनाते हैं, एक हो गया सेक्शन का सेट, ओरिएंटेशन का सेट, लोड का सेट, सपोर्ट्स का सेट, सेट। तो ये सेट टू है हमारा ओरिएंटेशन का। जैसे डन किया तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 0.0, 0.0, -1.0। ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर हम इसी वैल्यू को चूज करते हैं तो हमारा x जो होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, y वर्टिकल होगा, और z होगा हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हम एंटर मार देते हैं यहीं पे और डन कर देते हैं। ये आपका बीम आ गया। इसके बाद हम जाएंगे असेंबली में। असेंबली में जो असेंबली का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद जाते हैं हम स्टेप्स। स्टेप्स हमारा सिंपल वो जनरली स्टैटिक एनालिसिस के लिए होता है। तो हम स्टेट स्टेप में जाकर इस पर स्क्रीड स्टेप पे क्लिक करेंगे, इनिशियल स्टेप वन, स्टैटिक जनरल, एंड कंटिन्यू, एंड ओके। देन हम जाएंगे मैश। मैश में जाने के बाद हमें मेनू बार में मैश जो उस पर जाना है, और उसमें जाना है हमें एलिमेंट टाइप। जैसे ही हमने मैश में एलिमेंट टाइप पे दिया तो ये एक मैसेज दे रहा है कि ऑपरेशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको मेंबर को पहले इंडिपेंडेंट करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए असेंबल, असेंबल में जाना है आपको इंटेंसिस, इस पर राइट क्लिक करना है, इंटेंसिस के अंदर राइट क्लिक करना है, सॉरी हमें यहाँ पे, यहां से भी हम कर सकते हैं और यहां से भी इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, और पार्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पार्ट्स पे क्लिक करने के बाद हमें इस पे इस आइकन पे क्लिक करना है। अभी ये पूछ रहा है कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है हमारा 10 मीटर का बीम है, 1-1 पार्ट्स में मैश कर देते हैं। ओके देन मैशिंग बटन पे क्लिक कर देते हैं। यस ये हमारा मैश हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेट बनाते हैं अब हम। तो आप जाओगे असेंबली, असेंबली में सेट्स, सेट्स पे मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट, क्रिएट में फर्स्ट बनाते हैं हम, फर्स्ट सपोर्ट है हमारी पिन सपोर्ट, तो पिन, और वो कहां पे लग रही है, नोड पे, कंटिन्यू किया और यहां पे लग रही है, और हमने डन कर दिया। देखिए यहां पे एक सेट बन चुका है पिन। अब एक और सेट बना लेते हैं रोलर, और नोड सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, रोलर है हमारा एंड पॉइंट सेट किया, डन। एक और सेट बना लेते हैं लोड के लिए। लोड क्या है हमारा, पॉइंट लोड, नोड, और ये कहां लग रहा है हमारा, सेंटर में, सिलेक्ट किया, डन। ये सेट बना चुके हैं। हम इजीली इसमें सपोर्ट असाइन कर सकते हैं। हमें सिलेक्ट, जब हम सपोर्ट बनाएंगे तो हमें नोड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से सेट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। सेट बनाने के बाद हम जाते हैं यहां पे लोड में। लोड में जाएंगे हम सबसे पहले सपोर्ट मैनेजर पे, ये है हमारा सपोर्ट मैनेजर। इसमें जाते हैं तो ऊपर टाइटल क्या है हमारा, सबसे पहले सपोर्ट क्या है, पिन, तो हम पिन बीसी डाल देते हैं इसको, और यहां सिमेट्रिक सेलेक्ट करके कंटिन्यू। देखिए यहां पे आ रहा है सेट फोर बनाने के लिए, लेकिन पिन सपोर्ट के लिए हम सेट बना चुके हैं, तो हम यहां पे क्लिक करेंगे सेट, ये आ गया हमारा लिस्ट, पिन पे हमने सिलेक्ट किया कंटिन्यू, और यहां पे पिन सिलेक्ट कर लिया ओके। नेक्स्ट सपोर्ट हमें लगानी है, दोबारा से सपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे डाला हमने रोलर बीसी, कुछ भी टाइटल डाल सकते हो, और यहाँ पे क्लिक किया डिस्प्लेसमेंट एंड कंटिन्यू।
यहाँ पे हमने सेट बनाया था एक रोलर कंटिन्यू, ठीक है। रोलर सपोर्ट पे केवल एक वर्टिकल डायरेक्शन होती है, तो हम U2 यानी कि U2 है हमारा वाई, इसको कॉन्स्टेंट कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए हमारी सपोर्ट लग चुकी है पिन एंड रोलर। उसके बाद हम लोड पे क्लिक करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, लोड वन, इसको भी डाल देते हैं पॉइंट, कंटिन्यू और सिलेक्ट कर लेते हैं पॉइंट लोड। यहाँ पे ये है हमारा x और ये है हमारा y, तो y में हमारा माइनस 10 किलोन्यूटन लग रहा है, ओके कर देते हैं। ये लग गया हमारा माइनस 10। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और हमारा पैरामीटर है, वो है हमारा फील्ड आउटपुट। तो यहाँ पे देखिएगा आप इस लिस्ट में कहीं ये रहा फील्ड आउटपुट, इस पर राइट क्लिक करके करना है हमें क्रिएट, क्रिएट में फील्ड आउटपुट टू कंटिन्यू। इस लिस्ट में अब देखिए आप को सिलेक्ट करना है फोर्स एंड रिएक्शन, इस टाइप को खोलेंगे, इसके अंदर होगा आपका एक एन फोर्स, एन एफ ओ आर सी एस ओ, नोडल फोर्स इन बीम सेक्शन ओरिएंटेशन, इस पे क्लिक करना है आपको और ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर एनालाइज करना है, एनालाइज हम अब अकस में एनालाइज को हम बोल सकते हैं जॉब, तो हम जॉब पे गए, क्रिएट किया, कंटिन्यू, ओके और सबमिट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबमिटेड, अब यहाँ पे थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा रनिंग, देन कंप्लीटेड, जब यहाँ पे स्टेटस में आप कंप्लीटेड आया तब आप रिजल्ट पे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ स्टेटस में कंप्लीटेड आ चुका है, अब हम रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, रिजल्ट पे क्लिक करने पर ये रिजल्ट्स आ गए हैं हमारे, तो हम डिफॉर्मेशन शेप देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ये हमारी डिफॉर्मेशन शेप है, ये हमारा एमएम में डिफ्लेक्शन है। हमारा एनालिसिस हो चुका है, अब हमें ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम, उसको ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ पे टूल्स, टूल्स में जाएंगे हम पाथ एंड क्रिएट। जैसे आप टूल्स में पाथ में क्रिएट में जाओगे तो यहाँ पर आएगा पाथ थ्री, हम बना रहे हैं नोड लिस्ट। पाथ का मीन से केवल ये हमें मांग रहा है लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ऑफ द बीम, तो हमने पाथ बनाया, नोड लिस्ट कंटिन्यू किया और यहाँ पे आ चुका है बीम। तो यहाँ पे दो बटन है, ऐड बिफोर ऐड आफ्टर, हम ऐड बिफोर पे क्लिक करेंगे और हम जॉइंट्स पे क्लिक करते जाएंगे। फुल लेंथ हम बीम की ले लेंगे जॉइंट्स पे क्लिक करके, उसके बाद हम यहाँ पे डन करेंगे। देखिए यहाँ पे आ चुका है और ओके कर देंगे। पाथ बनाने के बाद हमें एक काम और करना है, यहाँ पे आप देखोगे एक्स वाई डाटा, इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट करना है, क्रिएट में पाथ कंटिन्यू। ये डिसमिस पाथ इसलिए आ रहा है क्योंकि हम पाथ वन सिलेक्ट है जबकि हमारा पाथ थ्री हमने बनाया था, तो डिसमिस करते हैं इसको और पाथ थ्री पे क्लिक करते हैं। पाथ थ्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बटन है फील्ड आउटपुट का, इस पर क्लिक करते हैं और इसमें से देखते हैं ये रहा, हमने वहां पर सिलेक्ट किया था फील्ड आउटपुट में एन फोर्स, तो यहाँ पे तीन आ चुके हैं एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, वन ये हो गया एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और सिक्स हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले शियर फोर्स पे क्लिक करते हैं और ओके करने के बाद प्लॉट पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। देखिए हमारा शियर फोर्स डायग्राम का मैग्नीट्यूड 5 है, यहां पर भी मैग्नीट्यूड 5 है, पर यहां पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है क्योंकि जब मैंने पाथ सेलेक्ट किया था तो मैं कोई एक जॉइंट मैंने स्किप कर दिया है, इसलिए लाइन आपकी इंक्लाइंड आ रही है। अगर वो जॉइंट भी सेलेक्ट होता तो परफेक्ट हमारा शियर फोर्स डायग्राम ऐसे ही बनता। अब हम दोबारा फील्ड आउटपुट में जाते हैं और बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं, ओके एंड प्लॉट। देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मैग्नीट्यूड है हमारा फोर्स का 225, यहाँ पे भी आ रहा है हमारा 25 और ये है हमारा 0 टू 10 मीटर का बीम और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 25। तो इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लंबा प्रोसेस है इसलिए हमने बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रॉब्लम ली थी,
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम थोड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेंगे। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।